जो एनडीपीएस तीनों लोगों से ही मिला था एक्चुअली गांजा 10-10 किलो। तो ये एक तरह से एक कोई ड्रग का रैकेट है जो ड्रग्स सप्लाई करता है। चूंकि ये लोग वहाँ जब रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पकड़े गए थे चेकिंग में, तो ये बात भी सामने आई थी कि दिल्ली लेके जा रहे थे। आजकल की स्थिति है, पत्रावली पर लंबे समय से गैरहाजिर होने के कारण से व्यक्तिगत रूप से हाजिर नहीं है, इनके एडवोकेट्स उनमें एग्जम्पशन एप्लीकेशन दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि हैबिचुअल लोग होंगे जो आदतन जानते हैं क्या प्रक्रिया होती है, तो उसी का बेनिफिट ले रहे हैं। गांजा तस्करों के खिलाफ एक जो हम लोगों का अभियान छानबीन चलता क्या है उसी क्रम में 3 व्यक्ति अरेस्ट हुए थे, जिसमें एक निधि थी, दूसरा जो है एक समीर उर्फ बाही करके था, और तीसरा जो है रवि कुमार था। रवि कुमार और बाही जो है ये लोग अपन बिहार के थे, और निधि जो है सुल्तानपुरी की थी, जिसको इनके पास से 30 केजी गांजा जो है वो बरामद हुआ था, और उसके बाद इनको जेल भेजा गया था। जो पूछताछ हुई थी उसमें ये पता चला था कि ये लोग सिकंदराबाद से गांजा जो है वो लेकर के आ रहे थे, और इसको दिल्ली में जो है अलग अलग जगहों पे इसका इसकी खपत जो है वो लोग इसको इसकी करवाते। सुल्तानपुरी नई दिल्ली इनका एड्रेस जो है वो था। जेल जाने के बाद निधि ने जमानत के लिए अर्जी लगाई। गिरफ्तारी के एक हफ्ते बाद उसे जमानत भी मिल गई, मगर जमानत कराने के लिए निधि के घर से कोई नहीं आया। इस वजह से जमानत मिलने के बाद भी एक हफ्ता और निधि को जेल में रहना पड़ा, यानी निधि कुल 15 दिनों तक आगरा की जेल में रही। 2020 में सिकंदराबाद तेलंगाना से तीन लोग थे, ये दो दो लड़के थे और एक लड़की थी। तो किसी ने हमसे संपर्क किया था कि एक लड़की जो है ड्रग केस में अरेस्ट होकर आ रही है, आपको उसकी बेल लगानी है। तो उसमें एक पैरोकार थे, अभिषेक नाम का एक पैरोकार था, उसने संपर्क किया, उसने अपने एफिडेविट फाइल किया, हमने बेल लगाई। और जाहिर सी बात है कि करीब बहुत जल्दी इनकी करीब 10-12 दिन के अंदर इनकी बेल भी कोर्ट से हो गई थी, और बेल होने के बाद इनके खिलाफ चार्जशीट भी माननीय न्यायालय में दाखिल कर दी गई थी। एक बार जमानत मिलने के बाद निधि आगरा से फिर कुछ ऐसे गायब हुई कि उसके बाद दोबारा कभी किसी तारीख पर अदालत में हाजिरी नहीं हुई। यहाँ तक कि खुद निधि के वकील आसिफ आजाद की माने तो अपने मुवक्किल के हक में अदालत में हाजिर माफी की अर्जी लगाते लगाते थक चुके हैं। न तो वो बात करती है और न ही उसका मोबाइल मिलता है। दिल्ली की लड़की है जो है ये, और थोड़े मॉडर्न किस्म के ऐसे लोग हैं। हाव हाव की जहाँ तक बात है, जिस तरह से पेश आते हैं ये लोग जो हैं, आए काफी देर तक हम लोग इंतजार कर दिए किया करते थे कि भाई आइए तारीख है, तो काफी वक्त लगाते थे ये लोग, और आने के बाद कोशिश करते थे कि जल्दी फ्री होकर ये कोर्ट से चले जाएं, लेकिन कोर्ट का एक नॉर्मल प्रोसेस है तो वक्त तो लगता है। तो इस तरह से आके जो है ये 3-4 बारी ये आई है आफ्टर बेल जो है, उसके बाद लगातार ये नहीं आ रही है। अभी बीच में भी एक कॉल आया था, हमने कहा था कि आप आइए, आप डेट्स कर जाइए आप जो है, लेकिन फिर भी ये डेट्स पर नहीं आए, और कहा कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है, आप एप्लीकेशन मूव कर दीजिए। तो अभी तक हम एप्लीकेशन लगा रहे हैं लोगों की कि किसी के खिलाफ कोई एडवर्स ऑर्डर ना हो। वकील आसिफ आजाद ने तो यहाँ तक कहा कि निधि 2 साल पहले आगरा में गिरफ्तार तो हुई थी, लेकिन उसकी जमानत करवाने तक उसके घर से भी कोई नहीं पहुँचा था। यहाँ तक कि उन्होंने आगरा से ही जमानती का इंतजाम किया था, और तब कई बार आरजू मिन्नत करने के बाद निधि की माँ दिल्ली से अपनी बेटी को लेने आगरा पहुंची और उसकी कस्टडी लेकर गई। वकील ने निधि को लेकर और भी कई ऐसी बातें कही जिन्हें सुनकर कोई भी सोचने पर मजबूर हो जाएगा। उन्होंने शिकायत की कि निधि को अगर सुबह 10:30 बजे कोर्ट में हाजिर होना होता तो वो दोपहर 12 बजे तक गाड़ी में नशे की हालत में बैठी रहती और कहती कि वो सोई नहीं। वकील ने साफ किया कि अगर निधि ने आगे भी अपना यही रवैया जारी रखा और तारीख पर नदारद रही तो बहुत मुमकिन है कि अदालत की ओर से निधि के खिलाफ इसके आगे नॉन बेलेबल यानी गैर जमानती वारंट जारी कर दिया जाएगा। तब निधि को इसी केस में दोबारा जेल की हवा खानी पड़ सकती है। देखिए, नॉर्मल कोर्स में करीब 7-8 महीने से ये लगातार कोर्ट में हाजिर नहीं हो रही हैं, और इनकी तरफ से कभी फोन्स भी आ जाया करते थे कि आप जो एप्लीकेशन मूव कर दें, हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो अभी 7 तारीख भी निकल कर गई है, उसमें भी हम लोगों ने एप्लीकेशन लगाई थी। हम नहीं चाहते कि किसी क्लाइंट का अहित हो, जितना भी हो सके उसको हम लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब हमें लगता है कि ये एविडेंस है और मुकदमे से जो लिंगर ऑन करके उसकी कार्रवाई को बाधित कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में इन फ्यूचर हम लोग जो हैं कोई एप्लीकेशन भी मूव नहीं करने वाले, हो सकता है कि इस केस में विड्रॉल भी हम लोग कर लें। तो आगे क्या होगा अगर तारीख पर नहीं आती है तो? देखिए, सीआरपीसी में प्रोविजन है कि आप बेल कर गए तो आपकी जिम्मेवारी है कि फेयर ट्रायल में आप सहयोग करें।
इनकेस अगर जो है अगर ये अब नहीं आएगी कोर्ट में, इनके खिलाफ कोर्ट जो है नॉन अवेलेबल वारंट का प्रोसेस जारी करेगी, उस कंडीशन अपलेशन को फिर अरेस्ट करेगी और ये जमानत की शर्तों का वायलेशन भी होगा और इनको दोबारा भी जेल जाना पड़ेगा और बेल मिलना भी मुश्किल हो जाएगा क्योंकि जमानतों की शर्तों का वायलेट किया इन लोगों ने। वैसे इस मामले में पुलिस की केस डायरी में दीपक नाम के एक शख्स का भी जिक्र है जिसे लेकर फिलहाल रहस्य बरकरार है। असल में पुलिस की पूछताछ में तब गांजे की ये खेप निधि ने दिल्ली के रहने वाले किसी दीपक की तरफ से मंगवाए जाने की बात कही थी, लेकिन आगरा पुलिस अपनी जांच में उस दीपक तक कभी पहुंच ही नहीं पाई।